सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं सनी भोंसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों आप सबका। होपफुली आपने अपने सी सेट को लेकर अब थोड़े से फोकस्ड हो गए होंगे। मुझे भी व्यू से आपके पता चल रहा है, लाइक से आपके पता चल रहा है, ठीक है। बट क्या आप लोग अभी भी वो अप्रोच अपना पाए हैं जो चाहिए एक्चुअली में? मतलब क्या इस बात का मतलब ये है कि क्वालिफिकेशन की रेस में आप कहाँ हो अपने आपको लेकर? क्या आप अभी भी उस रेस में भाग रहे हो या उस रेस से बाहर निकल के आप ऑलरेडी एक क्वालिफिकेशन की रेस से आगे निकल चुके हो? मतलब आपने तैयारी अच्छी करनी है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाइए मेरा तो हो जाएगा, नहीं। हमें तैयारी इस लेवल की करनी है स्टूडेंट्स कि हम बहुत आगे निकल जाएं और हमें क्वालिफिकेशन की तरफ देखना भी ना पड़े, ऑलरेडी हम अच्छी तैयारी की तरफ से हैं। अब अगर मैं देखो, मैं चाहता तो मैं 2018-19 भी पेपर आपको करवा सकता था। वाई हम स्टार्टिंग फ्रॉम 2015, क्योंकि 2023 में ऐसा कुछ नहीं था नया कि आप लोगों का वो भी बहुत हुआ था। आज भी देखने का अच्छा था क्वेश्चन नंबर सिस्टम का। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ डिफरेंस ये था कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कम आते थे, कॉन्सेप्ट वही पूछे जा रहे हैं। अगर आप 2015 से 2022 के आपके देखोगे ना 7-8 साल के एग्जाम, तो उसमें क्या है, उसमें वही क्वेश्चनों को घुमा फिरा के थोड़ा सा लेवल अप करके आपसे 2023 में पूछ लिया गया। सिर्फ ये आपके पास डिफरेंस था, क्योंकि जिन बच्चों ने अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया, मैंने उनसे बात की कि आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने ये बोला कि सर हमने बहुत, आपने जो पहले कराया हमने वो किया, उसके बाद जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बोला था हमने सिर्फ वो किया, डन। तो आप भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और बहुत कुछ है हमारे पास, क्लियर। इसीलिए अब इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, वी ऑलरेडी स्टार्टेड अ सीसेट बैच, जिसे अर्ली सीसेट बैच बोला गया। अब इस बैच में खास क्या है, देखो जरा, व्हाई दिस बैच इज सो स्पेशल। सबसे पहली बात, सो व्हाई दिस बैच इज सो इंपॉर्टेंट, चलिए देखते हैं। देखिए इस बैच में क्या है, देखो सबसे पहली बात, इसकी टाइमिंग है 3 से 4:30 बजे तक, ठीक है। वीकली 4 डेज अ वीक आपको बैच में लेगा, टोटल लेक्चर से इसमें 180+। अब आपको, और कम से कम आपको अभी बताता हूं, मैं कम से कम पहले बता दूं आपको फिर बात करेंगे, 90 लेक्चर जो है ये आपको मिल रहे हैं लाइव लेक्चर, मतलब ऑन क्लास। ये आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैच रहेगा, ठीक है, कि आप घर जाकर देख पाए। अगर ये आप इस टाइम नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबिलिटी है। अभी 90 लेक्चर जो आपको मिल रहे हैं क्लास में, 50 इसमें क्वांट के, 25 लॉजिकल के और 15 इसमें आपके इंग्लिश के लेक्चर्स हैं। प्रीवियस ईयर लेक्चर्स कितने आपके, प्रीवियस ईयर आपके पास आपके 15 लेक्चर्स हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस कितने आपके, 50+। लाइव मेंटरशिप सेशन कितने आपके, 30+। सो दीज आर सम की फीचर्स। और अगर मैं बात करूं जो आपको लेक्चर मिल रहा है उसके साथ क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो लेक्चर के साथ सबसे पहले क्लास पीडीएफ, ये तो आपको मिलनी है। नंबर दो, रिसोर्सेस। अब व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज उस चैप्टर के पर्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो सारा का सारा टाइप्ड फॉर्म में आपको रिसोर्सेज की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। नंबर तीन पे क्या है आपके पास, प्रैक्टिस क्लास, प्रैक्टिस। ये भी अगर आप ऑफलाइन आओगे तो प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी आपको, अगर आप ऑनलाइन लगा रहे हैं तो वहां पर लेक्चर के साथ अपलोडेड मिलेगी आपको। तो ये तीन चीजें आपको मिली। एक और सरप्राइज फीचर है, ये एक्चुअली बैच 4:30 तक नहीं, 5 तक है। इसमें 30 मिनट्स के हैं, अगर मैं बात करूं इसमें 30 मिनट क्या है। अब आप कहोगे सर इसमें 30 मिनट क्या है, भाई ये आपकी है डाउट क्लास जो डेली लग रही है आपकी, मतलब डेली का मतलब है जब भी क्लास लगेगी तो ये आपके साथ रहने रहने, क्लियर। तो दीज आर सम की फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लीज। तो एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरी बात है बेटा, अगर कोई डाउट हो तो 9517771651 इस पर कॉल भी कर सकते हैं आप, आई विल जॉइन यू, क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे सारी वीडियोस आती हैं, सारी पीडीएफ अपलोड होती हैं और सारी चीजें यहीं पे अपलोड होती है। अगर सीसेट से रिलेटेड कुछ भी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वो लेक्चर्स हो, सब इस ग्रुप में अपने आप आ जाता है, क्लियर। तो चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ट्रेन चली दिल्ली से मुंबई की तरफ, दिल्ली से मुंबई की तरफ, वही कितने स्पीड में, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 2 आवर्स लेटर एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई। देखो सबसे पहली बात, 2 घंटे की बात करते हैं शुरू में, ये 40 की स्पीड से चलिए, 2 घंटे बाद कहां पहुंच जाएगी, ये 80 किलोमीटर पहुंच जाएगी, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 40, तो 2 घंटे में 80 पहुंची, क्लियर। 2 आवर्स लेटर एन एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई फॉलोइंग द फर्स्ट ट्रेन ऑन द पैरेलल ट्रैक। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों सेम में है, तो 60 माइनस ऑफ 40 यानी कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो सबसे पहले मुझे ये देखना कितने टाइम में इसे पकड़ेगी, तो
तो भाई डिस्टेंस 80, रिलेटिव स्पीड कितनी है, और ये टाइम, तो 80 इज इक्वल टू 20 इनटू टाइम, तो टाइम कितना आ गया मेरे पास, टाइम आ गया मेरे पास 4 आवर्स। क्लियर। अब दूसरी बात सुनो, 4 घंटे आ गए, अब मुझे क्या बोला है, इसका मतलब 4 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन पहली वाली को पकड़ लेगी। पूछ क्या रहा है, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फर्स्ट। देखिए अब डिस्टेंस कितना चलेगी, स्पीड इनटू टाइम, ज्यादा स्पीड किसकी है, डेफिनेटली 60 वाले की, तो डिस्टेंस कितना, स्पीड कितना 60, टाइम कितना 4, तो छिछको कितना हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी 240 किलोमीटर के बाद पकड़ेगी उसको, सिंपल। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, यूनिक सा क्वेश्चन था स्पीड टाइम डिस्टेंस का। चलिए चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर्टेन 3 डिजिट नंबर है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द 3 डिजिट्स नंबर आर डिफरेंट, मतलब ऐसा कुछ है, एक्स वाई जेड। ठीक है, द नंबर आर डिविजिबल बाय 7, चलेगा जी, द नंबर ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट आल्सो डिविजिबल बाय 7। एक बात सुनना, जब भी 3 डिजिट का कोई नंबर होगा ना और उसको माइनस करोगे उसके रिवर्स से, तो वो भी 7 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इसको लिखूंगा कैसे, लिखूंगा 100x प्लस 10y प्लस z, इसको रिवर्स कर दो क्या आएगा, zyx। इसको कैसे लिखेंगे हम सिमिलरली, इसको लिखेंगे 100z प्लस 10y प्लस x। क्लियर। अब इसका मतलब जब मैं इनको रिवर्स करके माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे सिचुएशन चाहिए, यहां से मैं कुछ ही नहीं बता सकता, अब इन दोनों को माइनस करो, देखो 10y कैंसिल, यानी 100x प्लस z माइनस ऑफ 100z माइनस ऑफ x इज इक्वल टू, मैं बोला कोई 7 पी नंबर है जिससे डिविजिबल, ठीक है, पी को कांस्टेंट ले लिया, तो ये कितना आ गया 99 ऑफ z माइनस x इज इक्वल टू 7, या p, तो p कितना आ गया 99 इनटू z माइनस x डिवाइडेड बाय 7, ये लगा लो। इसका मतलब यहां से मुझे z और x की पर्टिकुलर वैल्यूज मिल जाएंगी बेटा। अब क्या मिलेंगी, देखो अब देखो z और x की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है, ये देखो 99 तो कभी भी 7 से डिवाइड होगा नहीं, ये समझ के चलो 99 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो x माइनस z का ही कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, z माइनस x इज इक्वल टू 7 चाहिए, अगर इसको 9 लूंगा तो 2 आएगा, ठीक है, अगर इसको 8 लूंगा तो 1 आएगा। जब भी इसका मतलब ये दो पेयर कौन कौन से बन गए, 2 9 एंड 9 9 2, ये समझ के चलो, क्योंकि मेरे पास नंबर क्या है x y z, ये किसकी वैल्यू है, x एंड z की, y तो कांस्टेंट रहने वाला है मेरे पास, यहां से क्या पेयर बना, 8 और 1 और 1 एंड 8, बिकॉज आप x माइनस z, z माइनस x को बराबर नहीं बोल सकते, बट अगर आप x y z में पुट करोगे तो आप बोल सकते हो। इसका मतलब अगर मैं पहली सिचुएशन को पकड़ू 1-8 और 8-1, ये नंबर किससे डिविजिबल है भाई, 7 से डिविजिबल है, तो क्या यहां पर मैं 6 लिखू, तो क्या ये 2 नंबर हो गए, ये आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, ये पुट करके देखेगा कि कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है पहले। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा, 2-9 9-2, ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, उस टाइम के बहुत हार्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, फटाफट बताइए यहां पे कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं। चलिए चलिए ट्राई करें फटाफट, क्या यहां पर 5 आएगी, करके देखिए 5 आएगी, तो कितनी वैल्यूज होगी, 1 2 3 4, बट मेरे पास जब 4 सिचुएशन आ गई ना तो यही आंसर लगा देना था भाई कितना 4, बट फिर भी मैंने आपको नंबर निकाल के दिखा दिया, सो दैट आपको इजी। क्लियर, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसा क्वेश्चन आपका 2023 में था, इसीलिए करवा रहा हूँ भाई, इसीलिए ताकि आप लोगों को मजा आता रहे और पता चलता रहे। चलिए ये भी 2017 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स, पीछे भी लिखा हो ना 17 ही, देखना हाँ ये भी 17 का ही। चलिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट ईच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाई द यूनिट प्लेस। देखो कुछ नहीं, सबसे पहले अगर मैं कहूं पहला नंबर 100 है और लास्ट वाला कौन सा 199, मतलब ऐसे 10 पेयर बनेंगे। अगर मुझे ये पता चले कि 100 से लेके 199 तक कितने नंबर ऐसे जिनके लास्ट में 8 है, तो सिंपल क्या करूं, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पे कितने आएंगे, देखो अगर मैं बात करूं 108 118 ऐसे करते करते 10 नंबर आएंगे, और कितने नंबर हैं ऐसे, कितने इंटरवल है 9, तो क्या आंसर आ गया 90, कुछ नहीं सोचना है इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट हम बहुत कुछ सीख सकें। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे बच्चे। चलिए जी, टाइम एंड वर्क का पी वर्क
थ्राइस एज फास्ट एज क्यों, मतलब ये एफिशिएंसी की बात हो रही है, ठीक है। वर्क लगा लो, मतलब पी क्या है, पी है तीन गुना क्यू से, वेयर पी एंड क्यू टुगेदर कैन वर्क फोर टाइम्स एज फास्ट एज आर। अगर मैं बात करूं भाई आर, तो क्या आर एक आएगा, बिकॉज उसने क्या बोला पी और क्यू मिलके अगर चार काम कर रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं। फोर टाइम्स फास्ट का क्या मतलब हुआ कि भैया चार गुना काम हो रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ यही है, बस यही आंसर आ गया मेरे पास। जो अपने पास ये रेशो आ रही है इसी रेशो में तो पैसे मिलते हैं, दैट इज द वन फाइनेंस क्वेश्चन, क्लियर। चलिए जी, चलो भाई क्या दिया है, फोर आ सैंपल स्पेस ऐसे था ही, मीड लेस देन मीडियन लेस देन मोड, इसका सीधा आंसर आएगा स्पीड टू लेफ्ट साइड, ठीक है। जब थ्रेटिकल पार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा बस इसका। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एज ऑफ मिस्टर एक्स, द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वॉज स्केयर ऑफ अ नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा तो एजी से हुआ बट बहुत कुछ पूछा, स्केयर क्यूब, क्यूब कब होगा, कैसे होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, ठीक है। द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वॉज द स्केयर ऑफ अ नंबर एंड इट वुड बी क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि आज जो मेरी एज है एक साल पहले वो किसी नंबर का पर्टिकुलर स्केयर थी, सोच के देखो, और एक साल के बाद वो किसी पर्टिकुलर नंबर का क्यूब हो जाएगी। वो मुझसे कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ इयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन। इसका मतलब वो कह रहा है कि आज जो मेरी एज है, जब मेरी एज क्यूब है किसी नंबर की, आई डोंट नो द नंबर, वो कितने साल के बाद एक क्यूब रूट दे, मतलब एक क्यूब देगी, पर्टिकुलर क्यूब देगी। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखो इसका मतलब, देखो क्या, पहले समझो फिर डायरेक्टली भी बताऊंगा, समझो प्रेजेंट, प्रेजेंट एज कुछ भी है भाई, मेरी एक्स है, एक साल पहले वन ईयर अगो ये क्या थी मेरे पास, एक्स का स्केयर, समझिए इस बात को, एक साल पहले क्या थी, एक्स का स्केयर। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, एक साल के बाद आफ्टर वन ईयर ये क्या होगी, एक्स का क्यूब। वो ये कह रहे हैं कि कितने साल के बाद फिर दोबारा मुझे क्यूब देखने को मिलेगा मेरी एज में। देखो अगर मैं एक्स स्केयर की बात करूं, देखो सबसे पहली बात आप क्या करो, एक स्केयर देखो कौन कौन सा होता है, उसके बाद बात करेंगे कुछ। देखो एक्स क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है, ऐसे ऐसे आगे चलेगा। अच्छा एक का स्केयर एक, दो का स्केयर चार, फिर नौ, फिर सोलह, फिर पच्चीस, फिर छत्तीस, फिर उनचास, और ऐसे ऐसे ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा मेरे पास, ठीक है आगे तक चलेंगे। अब एक का क्यूब कितना हो भाई, एक, दो का आठ, तीन का सत्ताईस, है ना, और ऐसे करते चार का चौसठ, ऐसे करते जाएगा। अब उसने क्या बोला कि आज से एक साल पहले मेरे एक पर्टिकुलर स्केयर थी और आज एक क्यूब है। आपके दिमाग में क्यों नहीं आया कि मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसके स्केयर और क्यूब में ना कोई, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, क्यूब और स्केयर में दो का डिफरेंस, क्योंकि 25 और 27 वो है उसके, देखो यस, अगर ये चीज दिमाग में बैठ गई ना आपको बस आंसर होगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं एक साल पहले अगर मेरी एज 25 थी तो एक साल बाद कितनी होगी 26, और उसके एक साल बाद कितनी होगी 27, यानी 25 एक साल पहले, 26 आज, और एक साल बाद 27, यानी ये भी क्यूब हो गया और ये स्केयर हो गया, और मेरी प्रेजेंट एज कितनी है 26, क्योंकि अगर आपको क्यूब चाहिए तो एक प्रेजेंट एज चाहिए होगी आपको, सोचिए देखिए, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है इसमें, क्लियर। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स आपने आने वाली वीडियोस के लिए, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहा है भाई आगे कब ये क्यूब होगा, तो इसका मतलब क्यूब क्या 64, तो 38 जोड़ दोगे तो कितना आ गया, आ गया, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 38 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट गुड क्वेश्चन, क्लियर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट आर माइक्रो कोर्सेस, माइक्रो कोर्स क्या होते हैं समझिए। मैं अगर आपसे एक बात करूं, कई बार क्या होता है आपका दिल होता है कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक में काम करना है, जैसे बच्चों का दिल क्या आजकल जो मैं समझ पा रहा हूं कि नंबर सिस्टम बहुत मुश्किल लग रहा है, कोई इंक्वायरी आती है, कोई बच्चा आता है, ये पूछा सर नंबर सिस्टम हो गया, कब कराओगे, कैसे कराओगे,
तो नंबर सिस्टम को लेकर बड़ा हुआ सा बनाओ, जबकि इतना मुश्किल है, नंबर सिस्टम है नहीं। हमने आज क्वेश्चन किया, चार वैल्यूज मैंने आपको वैल्यूज जनरेट करके भी दिखा दी और मैंने ये भी बता दिया था कैसे कर सकते हो। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा मतलब ट्रेंडिंग सा टॉपिक चला हुआ है सीसेट के लिए कि वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और भी है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे आपके पास, आपके प्रोबेबिलिटी, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो माइंड ब्लोइंग बहुत इंटरेस्टिंग से आपको एक फैक्टर वाले क्वेश्चन देते हैं। क्लियर, अर्थमेटिक तो है ही मेरे पास अच्छा सा। तो क्या अगर मुझे सिर्फ नंबर सिस्टम करना है, मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है या मुझे एलसीएम एंड एचसीएम करना है, तो क्या मैं पूरा कोर्स फिर दूं? नहीं, यहीं पे अभिमन्यु आईएएस एक नया आपके पास कॉन्सेप्ट लेके आया, विच इज अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज, अभिपीडिया माइक्रो कोर्स। इसमें क्या है, इसमें आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को भी परचेज कर सकते हैं एज कंपेयर टू की एक बड़ा अमाउंट दो या ज्यादा अमाउंट दो पूरे कोर्स के लिए। जब पूरा कोर्स नहीं करना तो क्यों उसको करें? ठीक है, मैं बता देता हूं, इसका लिंक भी बेटर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, फुल कोर्स का ऑन एंड ऑफलाइन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी और इसका भी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए भाई देखिए, यहां जाएंगे सिविल सर्विस सीसेट, देखिए ऑल सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज। तो सारे सब्सक्रिप्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके, पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं ये क्या क्या चीज अवेलेबल है। देखिए टेस्ट कोर्सेज में आपके लिए, ठीक है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो राइट हैंड साइड पे भी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिख रहा है आपको, तो यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा स्टूडेंट्स आपको। क्लियर, चलिए सिविल सर्विसेज सीसेट देखिए यहाँ पे क्या है। अब जैसे मैं बात करूं मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, जिसके लिए बड़ा हुआ सा कि इसमें से ही आ रहा मैक्सिमम, ठीक है, आ भी रहा है कोई शक की बात नहीं, आ रहा है यार। 2023 में दिखा कि ऑलमोस्ट आपका 1/4 और नंबर सिस्टम से 38-40 क्वेश्चन आपके इसी में से, तो यही इंपॉर्टेंट हुआ ना ज्यादा, ठीक है। बट ये कोई कंफर्म नहीं होता कि दोबारा भी वही पैटर्न रिपीट होगा, बट हाँ आपको पिछले पैटर्न को देखते हुए तैयारी को चलना चाहिए, यही एक अच्छी तैयारी बोलती है, ठीक है। देखते हैं जैसे नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी, एपीजीपी, यूनिटी फैक्टर, डिविजिबिलिटी सब कुछ इसमें है। और देखो ये फैक्ट क्या बता रहा है, 21.88 यानी 21.88 इतना परसेंट क्वेश्चन मैथ एंड मेंटल एबिलिटी में आ चुके हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। 10 लेक्चर्स हैं सिर्फ और सिर्फ 324 का, 9 वेब नोट्स और 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्या फायदा है, दीज आर मतलब कहते हैं ना वो यूनिक चीज है क्या, इसमें इन 421 क्वेश्चन को ना आप टेस्ट की तरह भी दे सकते हो। टेस्ट कैसे, कि 25-30 का क्वेश्चन का मंडल बनाया, उसको आप वैसे ही आपके पास टेस्ट आएगा जैसे आपको सीसेट का अवेलेबल होता है। क्लियर, चलिए 10 लेक्चर था, 9। अब वेब नोट्स क्या होते हैं, वेब नोट्स के अंदर सारा थ्रेटिकल पोर्शन होता है जो कवरअप किया जाता है, ठीक है। अब 6 मिनट का ट्रायल भी आप लेकर दे सकते हैं, पसंद है तो लोग जहां से आप लेकर वहां से लीजिए। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, इसमें सारा का सारा आपका बोर्ड में जो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डेसिमल्स, स्क्वायर रूट, क्यूबिट सब है, तो ऑलमोस्ट 16% 114 का 4 लेक्चर, एक वेब नोट्स और 117 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट है परसेंटेज, नेक्स्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस, फिर आएगी एवरेज, नंबर सीरीज, फिर लाइन चार्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सब डेटा अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं बात करूं आपके पास यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं, यहाँ पे 2640 रुपए का पूरा बंडल है, नहीं लेना मतलब, बट पजल टेस्ट 245 के 17 लेक्चर्स हैं, 7 वेब नोट्स और 270 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास डन। रैंकिंग एंड ऑर्डर आ गया आपके पास, 6 लेक्चर है, 1 वेब नोट और 204 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और 130 आपके पास क्या है, 130 रुपए का है, जहां पे भी 6 मिनट का ट्रायल मिलता है, 6 मिनट का ट्रायल आप ले सकते हैं किसी भी टॉपिक का, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ सिलोजिज्म है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब एंड डाइस ऐसा सब, और देखिए यहाँ पे आगे इंग्लिश का भी ऐसे दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चेक बंडल फॉर कंप्लीट, 413 रुपए कंप्लीट है, बट अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही हमारा मेन फोकस है तो 349 का 6 मिनट का ट्रायल है, 6 आपके पास लेक्चर्स हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया लेक्चर्स हैं, 1 वेब नोट्स का 968 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग एंटोनिम सिनोनिम 53 रुपीज का 157। तो दीज आर सम की फीचर्स ऑफ दैट अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज। तो प्लीज इसको अवेल कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। थैंक यू, और सारे के सारे लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।